नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यह समय आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ये आपकी राशि के ऑफिशियल चैनल है, तो इन्हें सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। दोस्तों, नौ तेरी शान कम होती, नौ तेरा रुतबा घट जाता, जो गुस्से में कहा वही हंस कर कहा होता। यह सही है कि इंसान को गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर जो इंसान अधिक गुस्सा करते हैं प्यार भी उतना ही अधिक करते हैं, क्योंकि लाल रंग खतरे का निशान है और प्यार की निशानी भी। जो मनुष्य अपने क्रोध को अपने ही ऊपर झेल लेता है वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। जल्दी गुस्सा करना जल्दी ही आपको मूर्ख साबित कर देगा। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। दोस्तों, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, तर्क जब नष्ट होता है तब व्यक्ति का जो पतन हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। देनी राशिफल। दोस्तों, यशो में पिछले कुछ असफलताओं से सीख लेकर आप अपने कार्यों को और बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। आपकी कोई खोई हुई प्रिय वस्तु के मिलने या फिर कोई मन मुताबिक काम बन जाने से बहुत अधिक प्रसन्नता भी आपको मिलने वाली है। इससे दोस्तों आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाले हैं। और इसके बाद दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में अपने ऊपर काम का बोझ अधिक ना लें, जिससे कार्यभार पूरा न होने की वजह से आपको पछताना पड़े। बेहतर होगा कि दिन की शुरुआत में ही महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने की रूपरेखा बना लें तथा अपनी बनाई नीतियों पर ही अपना ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि केवल पेशों की तरफ ध्यान होने के कारण आप रिश्तों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप पर बढ़ते आर्थिक तनाव का असर आपकी सेहत पर भी यश में दिखेगा। लोगों के साथ किए हुए पेशे से संबंधित व्यवहार की चर्चा ठीक से करनी होगी, वरना संबंध आप हमेशा के लिए बिगाड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आप अपने उत्तम व फिर संतुलित व्यवहार द्वारा सबका मन भी मोह लेंगे। विद्यार्थियों को भी इंटरव्यू अथवा करियर संबंधी परीक्षा में उचित सफलता मिलने की संभावना बन रही है। किसी गुरुतुल्य व्यक्ति से मुलाकात आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवाहित करेगा। इसके साथ दोस्तों, यश में अपने मित्रों के साथ अधिक संपर्क में ना रहे तथा अपने किसी निजी कामों पर आपको ध्यान देना चाहिए। किसी किसी समय आलस्य व फिर लापरवाही की वजह से कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि भी खो सकते हैं, इस बात का भी यश में आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए व्यायाम योगा आप अवश्य करें। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि आपको आपके आसपास के वातावरण में बदलाव लाने के लिए जिन चीज़ों को आपने जो है काफ़ी दिनों से इस्तेमाल नहीं किया है, ऐसे वस्तुओं का दान करें या फिर घर से निकाल दें। दोस्तों, अधिक देर तक बंद वातावरण में रहने के कारण आपकी सकारात्मक ऊर्जा भी कम हो रही है, इस बात का ध्यान दें, जिसके कारण मन की चंचलता व फिर अस्वस्थता महसूस होगी। आपको खुली हवा में जाकर कुछ समय अवश्य बिताएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से आप जिस कार्य को करने के लिए प्रयास कर रहे थे, दोस्तों ये जो समय है उसका सुफल आपको प्राप्त होगा। इसे दोस्तों, आप दोपहर के बाद परिस्थितियां जो है आपके लिए अनुकूल रहेंगी और किसी नवीन वस्तु अथवा आभूषण खरीदने की योजना भी इनसे बना सकते हैं। मित्रों व फिर रिश्तेदारों से संबंध भी यश में मधुर बने रहेंगे, परंतु दोस्तों कल्पना में योजनाएं ना बनाकर हकीकत में भी उन्हें क्रियान्वित करने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। बच्चों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक समझें और सुलझाने का प्रयास करें। यश में अधिकतर समय घर के बाहर ही व्यतीत करना पड़ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों आपके ऊपर बढ़े तनाव अचानक से ही कम होंगे, जिसकी वजह से आप थोड़ा स्थिर भी महसूस करेंगे। फिर भी दोस्तों, अपना वक्त अधिक जाया ना करते हुए अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से किसी कार्य के प्रति चल रही आपकी मेहनत व फिर परिश्रम का उचित परिणाम यश में मिलने वाले हैं,
और दोस्तों यह समय आप काफ़ी हद तक सुकून भरा महसूस करेंगे और कोई खोई हुई प्रतिष्ठा दोबारा भी आपको वापस मिल सकती है। दोस्तों इनसे आपका मन प्रसन्न रहेगा और साथ ही आपका आत्मविश्वास में भी वृद्धि होने वाली है। आपको बता दें कि आपकी कोई नकारात्मक बात किसी को आहत कर सकती है, तो दोस्तों यश में अपने शब्दों का चयन जो है बहुत ही सोच समझ कर करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवहार करते समय जो है दस्तावेज को ठीक से जाँच लें। करीबी रिश्तेदारों के साथ मेलजोल बढ़ाने की वजह से परिवार के साथ रिश्ता सुधरने भी लगेगा। आपको बता दें कि आपके अंदर अकेलापन को कम करने की आवश्यकता है, इसलिए दोस्तों लोगों के साथ वक्त बिताने की आप कोशिश करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें अर्थात आपके करियर की, तो दोस्तों यश में व्यवसाय की विस्तार संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करने का उत्तम समय होगा तथा दोस्तों सकारात्मक परिणाम भी इससे आपको प्राप्त होंगे। परंतु किसी पर भी विश्वास ना करें, किसी गैर कानूनी काम में रुचि ना लें। नौकरी में परिस्थितियां जो है अनुकूल ही आपके लिए बनी रहेंगी, बशर्ते इन चीज़ों से लेकर आपको सावधान रहना होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में व्यवसाय संबंधी नए आयाम भी बनेंगे। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी काम करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार करके ही योजनाएँ बनाएं और उन्हें क्रियान्वित करें। नौकरी पेशा लोग जो है यश में सचेत रहें, किसी गलती की वजह से अधिकारी वर्ग से जो है डांट सुनना पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि नौकरी तथा व्यवसाय में अनुकूल परिणाम आपको मिलेंगे, अनुकूलता बनी रहेगी तथा उचित अवसर भी आपको इनसे प्राप्त होंगे। आय के नए स्रोत भी यश में खुलेंगे। वर्तमान ग्रह स्थितियां आपके लिए नवीन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करेंगी। किसी ऑफिशियल यात्रा के ऑर्डर भी आपको मिल सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपके व्यवसाय गतिविधियां उत्तम तरीके से पूरी भी होंगी, लेकिन किसी का हस्तक्षेप आपके कार्यों में रुकावट डाल सकता है, तो दोस्तों इन बातों को लेकर यश में आपको सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। बेहतर होगा कि अपनी कार्यप्रणाली किसी से साथ शेयर ना करें। कर्मचारियों के सहयोग से भी आपके काम जो है मन मुताबिक तरीके से संपन्न हो जाएंगे, तो दोस्तों यश में कर्मचारियों का सहयोग आप ले सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ की अगर बात करें, तो दोस्तों यश में पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। विपरीत लिंगी मित्रों के साथ व्यवहार करते समय मर्यादा का भी अवश्य ध्यान रखें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि प्रेम संबंधों पर पारिवारिक स्वीकृति मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। परिवार के प्रति समर्पण तथा सहयोग परिवारजनों को सुरक्षा की भावना प्रदान करेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों पारिवारिक वातावरण भी सुखद रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी रह सकती है, उन्हें उचित इलाज करना यश में जरूरी होगा, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। आपको बता दें घर परिवार पर अधिक समय ना दे पाने की वजह से मन उदास रहेगा, परंतु घर का वातावरण उत्तम और संतुलित बना रहेगा, तो दोस्तों चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें, तो दोस्तों ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी समस्या हो सकती है, नियमित जाँच करवाएं तथा अपना उचित ध्यान रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें यश में अगर आप सावधानी को रखेंगे तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। पेट संबंधी परेशानी भी हो सकती है, आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन करना आपके स्वास्थ्य को यश में ठीक रखेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे। आपको बता दें नज़ला जुकाम जैसी परेशानी भी रह सकती है, ठंड अथवा पोल्यूशन वाली चीज़ों से बचाकर अपने स्वास्थ्य को रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। दोस्तों अगर स्वास्थ्य को लेकर आप सावधान रहेंगे तो शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ महसूस करेंगे तथा आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपकी कार्य क्षमता को और अधिक बेहतर बनाएगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा पीला और भाग्यशाली अंक रहेगा 8।